पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक। जो जांबाज रोज इनका सीना चीरकर ऊंची खड़ी इनके चोटियों का घमंड तोड़ते हैं, वक्त आने पर इन पहाड़ों की ताकत के सामने उन्हें भी झुकना पड़ता है। हिमालय को आसमान का हमसाया कहते हैं। इसकी चोटियों में ऐसा समोहन है कि जिसने इनसे दिल लगाया वो उसी का होकर रह गया। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच बस एक कदम का फासला है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 30,000 फीट है और जेट एयरक्राफ्ट भी 30,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता है, जबकि लाइट एयरक्राफ्ट तो 10,000 फीट की ऊंचाई को भी पार नहीं कर पाते। परिंदों में भी बस खुले सिर वाला हंस और कुछ खास प्रजाति के सारस ही इस ऊंचाई को छू पाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बहादुर सुरमा भी इस रास्ते के पार करते वक्त भगवान को याद करते हैं। इस बुलंदी के रास्ते में कई जगह शमशान भी है, ऐसे शमशान जहां लाशों की बरसों से आखिरी रस्में पूरी होने का इंतजार कर रही है। अब तो ये लाशें नए मुसाफिर को रास्ता दिखाने लगी है। जी हाँ, ये हकीकत है कि माउंट एवरेस्ट के रास्ते में तकरीबन 200 लाशें ऐसी हैं जिन्हें नए मुसाफिर को रास्ता दिखाने के लिए छोड़ा गया है। अब तो इन्हें लैंडमार्क कहा जाता है। इस रास्ते पर 1924 से लेकर 2013 तक 248 यात्री मौत की नींद सो चुके हैं। इनमें 161 पश्चिमी देशों से आए पर्वतारोही थे, जबकि 27 स्थानीय शेरपा थे। साल 2014 में भी यहाँ बर्फीले तूफानी की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 2015 में भी कई बार बर्फीले तूफान आए और अपने पीछे छोड़ गए लाशें। 2013 तक मारे गए 248 लोगों में से 200 सब अभी भी वहीं पड़े हैं। यही वजह है लोग कहते हैं कि इस रास्ते में कई शमशान पड़ते हैं। सबसे पहली बड़ी दुर्घटना 1996 में हुई थी। तब 8 लोग मौत के इस आसमान को छूने की आस में रास्ते में ही मौत की नींद सो गए थे। इसके अगले ही सीजन में 15 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा था। यहाँ की खास बात यह है कि जिसने यहाँ दम तोड़ दिया बस फिर यही उसका शमशान बन गया, क्योंकि यहाँ से लाशें निकालने की कोशिश करना भी खुदकुशी करने के बराबर है। यही नहीं, एक वो रास्ता है जहाँ आप पूरी टीम के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि आपकी हिम्मत छूटी, समझ लीजिए कि आप भी छूट गए। इस सफर के मुसाफिर अपने साथियों को एक ही पल में भूल जाते हैं। जिस साथी को मांग से फूलने लगती है और दूसरे साथी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। 1998 में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। पर्वतारोहियों का एक दल 28,000 फीट की ऊंचाई को पार कर रहा था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इस दल ने देखा कुछ दूरी पर एक शख्स पड़ा है जो मदद के लिए हाथ हिला रहा है। ये दल उस शख्स के पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक महिला थी। उस महिला की सांसें फूल रही थी। उसके पास ऑक्सीजन की एक बोतल पड़ी थी जो बिल्कुल खाली थी। इस दल में मौजूद महिला चाहती थी कि उस महिला की जिंदगी बचाई जाए, लेकिन इस ग्रुप के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं थी जिससे उस महिला को ऑक्सीजन दी जा सके। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है तो उस महिला को मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ा जाए। तड़पती हुई महिला को छोड़कर दल आगे बढ़ गया, लेकिन उस दल में मौजूद महिला इस गुना से बेचैन हो गई। बाद में उसने दुनिया के सामने पश्चाताप भी किया। उसने बताया कि मरने वाली महिला मुझसे पूछ रही थी कि तुम मुझे इस हाल में छोड़कर आगे कैसे जा सकते हो। मरने वाली महिला का नाम फ्रांसिस था और वो अपने पति के साथ बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहती थी, लेकिन डेथ जोन में जाकर सांसें अटक गई तो पति भी साथ छोड़कर आगे बढ़ गया और जिस दल से उसने मदद मांगी वो भी बिना मदद किए ही आगे चले गए। दरअसल ये वो डगर थी जहां अपनी जिंदगी को बचाने के अलावा कोई दूसरा जज्बा दिल में आता ही नहीं है। 30,000 फीट के इस सफर में सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होता है। 26,000 फीट की ऊंचाई से आगे ये जगह फाइनल बेस कैंप से ऊपर है।
और इसे डेथ जोन कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। यहाँ सर्दी की वजह से इंसान की हड्डियाँ अकड़ जाती है, जिसके बाद सांसें थमने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हालांकि अब तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना काफी आसान माना जाता है, क्योंकि मौजूदा दौर में कई तरह के हिफाजती इंतजाम होने लगे हैं। सैटेलाइट फोन्स के जरिए पर्वतारोही बाहरी दुनिया को कांटेक्ट में रहते हैं, जिसके वजह से मुसीबत के वक्त मदद की उम्मीद भी रहती है। 1996 में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 98 लोग ही लौट पाए थे, लेकिन 10 साल बाद 2006 में मात्र 11 लोग की मौत हुई और 400 लोग ने सफल यात्रा की। बहरहाल अब भले ही आसमान को छूते इस पर्वत के सिर पर चढ़ना पहले से आसान हो गया है, लेकिन रास्ते में पड़े ये सब हर वक्त होशियार रहने इशारा करते रहते हैं। उत्तर पूर्वी टीले पर बरसों से एक शव पड़ा है, जिसके पैर में हरे रंग के जूते हैं। अब उस जगह को ग्रीन बूट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जगह जगह पड़े शवों को अलग अलग लैंडमार्क के नाम से जाना जाता है।